Gautama went to every known master. गौतम उस समय के हर मशहूर गुरु के पास गए। उनकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान पाने की लालसा इतनी तीव्र थी कि जो चीज समझने में बाकी लोगों को सालों लग जाते थे वो कुछ हफ्तों में ही सीख लेते थे। समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, मगर फिर भी वो जानते थे कि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के जीवन के सबसे मूलभूत पहलुओं में से एक ये है कि वो कभी भोजन नहीं मांगते, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। गौतम ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वो उस दिशा में नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभावना होती थी, वो बस सीधा चलते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को इतना नष्ट कर लिया, वो इतने कमजोर हो गए कि वो बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। वो कभी भोजन की तलाश में नहीं जाते थे, उन्हें जब भोजन दिया जाता था तभी खाते थे। एक दिन वो नीरांजना नदी के तट पर पहुंचे, जो 2 फुट गहरी एक छोटी सी धारा थी और उसका प्रवाह थोड़ा तेज था। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की, आधी दूरी पर वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। उनके शरीर में और शक्ति नहीं थी। वहां एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी जिसे उन्होंने पकड़ लिया। पता नहीं वो कितनी देर तक वहां खड़े रहे। शारीरिक कमजोरी की वजह से उन्हें वो समय बहुत लंबा लगा होगा, वो कुछ मिनटों का समय भी हो सकता है या कुछ घंटे भी, मगर उनके अनुभव में वो समय बहुत लंबा था। वो बस वहीं अटके रहे, उनके अंदर अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या ये है कि वो आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित होने नहीं दे रहे, वो उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक असीम अनंत आयाम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो शून्य हो गए। अचानक उनके अंदर नदी पार करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने की ताकत आ गई। वो जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने निश्चय किया, मैं यहीं बैठूंगा, या तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या यहीं प्राण त्याग दूंगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। और वो बैठ गए। पूर्णिमा का चंद्र उग रहा था और उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया और परमानंद की अवस्था में वहां बैठे रहे।